या हम लोग हैं इस समय सुहावल रेलवे स्टेशन से लौट रहे हैं और हम लोग को जो असल में जाना था दिल्ली और ट्रेन हम लोग की हो गई, इतनी ज्यादा लेट हो गई है कि इस समय स्टेशन पे तीन घंटे तक हम लोग रुके थे सुहावल स्टेशन पे। तो आखिरकार फाइनली हम लोगों ने वो किया, डिसाइड किया हम लोग वापस जा रहे हैं। तो यार मैंने सोचा कि अब जा रहे हैं वापस, रात का समय है, एक बढ़िया एक वो हो जाएगा, टूर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक ब्लॉग भी बन जाएगा। कल भी मत जाना फैजाबाद दिल्ली से, परसों जाना। हाँ बिल्कुल, कल भी काम चलेगा। हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं उदीर सिंह अयोध्या से और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल टूर लवर्स 2020 में। यार सीन ऐसा है कि हम लोग को यहाँ रेलवे स्टेशन से क्रॉसिंग से हम लोगों ने लिया है ई रिक्शा, और ई रिक्शा से पहले हम लोग जाएंगे सुहावल चौराहे पर। सुहावल चौराहे से हम लोग को एक साधन पकड़ेंगे वहाँ से वापस अयोध्या कैंट जाने का। हाँ रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है हमारी, सबसे अच्छी बात है। बाइक खड़ी है, वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बाइक, निकल लेंगे वहाँ से। भैया रात में कोई और सवारी मिल नहीं रही थी, ये भाई साहब है, ये इन्होंने हमने अपने ट्रैक्टर को जगह दे दी, हमें ट्रैक्टर पर जा रहे हैं हम लोग वापस, कोई और साधन था नहीं। ये देखो वाह क्या सवारी है, राशि गन्ना लदा है, गन्ना। क्या नाम है भैया आपका? शक्ति सिंह ठाकुर साहब है। रिंकू भाई कैसा मजा आ रहा है? अब मेरे साथ रहोगे तो मौज करोगे। हाँ ऐसा ही होता है शक्ति भाई। हम जो है हम कह रहे थे कि चलो साथ में, तो नहीं चल रहे थे, है ना, कि ये ट्रैक्टर पे नहीं जाएंगे, एक घंटा लग जाएगा, समझो ऐसे ऐसे है। क्यों भैया क्या कहते हो? अब चलो मजा तो आ रही यही माँ। हाँ चलो चाचा मजा जरूर आ रही, लेकिन बताओ सच्ची बताओ मजा आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रही, आ रही ना? बस 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 एकदम सही है। ये सबसे ज्यादा दुनिया में सर्दी नीक लगती है, इनको तो सियाचिन भेजना चाहिए। भाई साहब बिजनेस करते हैं रिंकू भाई, भोकाल मारने में एकदम शुरू है। अयोध्या 22 किलोमीटर। देखिए इतनी बकैती हो गई और अभी तक चैनलवा इनको बताया ही नहीं। हाँ चैनलवा बताइए। तो भैया जब तक रिंकू भाई हमारा जो मेरा चैनल का जो वो कर रहे हैं, मेरा कौन सा ससुरा, हमारा चैनल का जो प्रमोशन कर रहे हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे शक्ति भैया जो हमारे लिए तारणहार बन के आए हैं इस विपत्ति के समय में, हम लोग जब सुहावल से निकले थे केवल और केवल हमारा हौसला था, बाकी और कुछ भी नहीं था। रात के समय में अंधेरे में हम लोग निकल आए और पता नहीं कैसे शक्ति भैया को भेज दिया भगवान ने, श्री राम ने भेज दिया हनुमान बन के। क्यों भैया क्या कहते हैं, है ना? तो हमारी जो है इस तरह से आज हमारी जो लंका जो है जा रहे विध्वंस करने। आई क्या कहते हैं निंकू भैया क्या कहते हैं? इतना अच्छा तो हम लोग कर्म किए नहीं है कि लंका विध्वंस करने के समय आवे, लेकिन हम लोग जो घर पहुंच जाए हमारे लिए वही बहुत।
लाइक कराए सब्सक्राइब। ठीक है साथी भैया, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं घर अपने अपने, रात बहुत हो गई। ये हमारा ब्लॉग पे रिंकुआ बोल रहा है ससुरा, और क्या है? अब मुंह तो दिखा, कल मुंह है, मुंह तो दिखा। सच्ची भैया बाय बाय, ठीक है मेरे ऑडियंस को भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा सब्सक्राइब करिए भैया। भैया इधर देख के बात करिए, नहीं धीरेन भैया, धीरेन भैया को इधर देख के, धीरेन भैया को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। सच्ची भैया बाय बाय, चल भैया नमस्ते। बड़ा सोचना पड़ता है यार चढ़ने उतरने के लिए। हाँ बुढ़ापे में यही होता ही है, ट्रैक्टर है भैया। चलो भाई, तो भैया हमारे शक्ति भैया जा रहे हैं, तो यार बाय बाय गुड नाइट, आप लोग जो है एंजॉय करें इस वीडियो को, बहुत अच्छी बात है। अब गन्ना तो लिया भी नहीं, अब ऐसा आदतगंज तक पहुंच गया हूं, तो अब घर तक नहीं पहुंचूंगा, पहुंच जाएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस बात इसको लाइक करोगे ना, तो शहादतगंज से लेकर घर तक पहुंचने का वीडियो भी हम अपलोड करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा।